मास्टर जी, मास्टर जी, लगता है कहीं चले गए। सुहान, क्या कर रहा है? सुहान, सुन, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। सुन, क्या हुआ तुझे? सुहान, तू ऐसे क्यों दिख रहा है? सुहान, 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 क्या हुआ तुझे? सुहान, ये लोग कौन है? उदिता? Yes, ma'am. तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो दुकान यहीं गई है? हाँ मैम, वो दुकान यहीं पर ही है और सुना है कि रात को 1 बजे ही खुलती है। रात के 1 बजे? Yeah. ये भी कोई टाइम है दुकान खोलने का? I know. Anyways, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो ऐसा कपड़ा चाहिए जिसे देखकर मैं मशहूर हो जाऊँ और दुनिया की सबसे अच्छी फैशन डिजाइनर बन जाऊं। Absolutely, ma'am. ऐसा ही होगा और ऐसा कपड़ा आपको बोलन की क्लॉथ हाउस में मिलेगा। हम सही जगह आए हैं। पर ये बोलन की क्लॉथ हाउस है कहाँ? मैम, एड्रेस तो यहीं का ही दिया था। आई थिंक थोड़ा अंधेरा है ना, तो ढूंढना पड़ेगा। चलो। काफी सुनसान जगह है ना मैम? वो देखो, रोशनी दिखाई दे रहा है। या कहीं या मैं भी वही बोलने वाली थी, कहीं यही तो नहीं बोलन की क्लॉथ हाउस? चलो देखते। क्लॉथ शॉप, यस, यही दुकान है। यस, कम।
वाव, कितना अच्छा कपड़ा है। कई महीनों बाद इतने अच्छे कपड़े देख रही हूं मैं। अरे भैया, यहाँ पे कोई है? मैम मैम, मुझे तो यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। कितना अंधेरा है यहाँ पे और दुकानदार भी नहीं है। मैम चले। डरो मत उदिता, दुकानदार ये कहीं होगा, अभी आ जाएगा। उदी, शो मी दैट वन। दैट वाइट वन? हाँ। ओके। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम? मेरी दुकान में आए हो और मुझे से पूछ रहे हो कि मैं हूं कौन? हम लोग यहाँ पे कपड़े खरीदने आए हैं। या तो कोई कपड़ा पसंद आया? मुझे अच्छी चीजों का नहीं, नयाब चीजों का शौक है। आई वॉन्ट द बेस्ट। मुझे आपकी दुकान के सबसे कीमती और बेहतरीन कपड़ा दिखाइए। मैम मैम, ये आपस में पता नहीं क्या पड़ा रहा है। अच्छा कपड़ा खरीदने का शौक है तो रुको, मैं भी दिखाता हूं तुम्हें। आओ। लाल रंग में कुछ है? खून है। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ऐसे बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से दिखाइए, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। वाकई एक जौहरी है जो कोयले की खान से हीरा निकालने की नजर रखती है। मैम तो वाकई जौहरी है। शो स्टॉपर ड्रेस बनेगी इस कपड़े से। ये कपड़ा तुम्हें कहां से मिला? क्यों रोशन जी, है ना बिल्कुल बेमिसाल।
And Monica, you were right. Alisha, madam, Heera ढूंढ के लाई है कोयले की खान से. नहीं नहीं, ये कपड़ा यहाँ से ले जाओ. इसे वहीं छोड़ाओ जहाँ से इसे लाई हो. क्यों राशन जी? आपको ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा क्या? ज़्यादा सवाल मत करो. मैंने कहा ना इस कपड़े को वहीं छोड़ा. मैं इस कपड़े पर कोई काम नहीं करूंगा. मैं इस कपड़े को हाथ भी नहीं लगाऊंगा. ठीक है, आप मत कीजिए. उदिता बना लेगी ड्रेस. अब मैम मैं. हाँ तुम. मोनिका, शो शॉपर ड्रेस के डिजाइन लेके आ जाओ. यस मैम. अलीशा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही. ड्रेस आज रात तक रेडी हो जाना चाहिए. गॉट इट? श्योर मैम. बहुत पछताओगी तुम. बस अब और कुछ मत कहना. मैं आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ. प्लीज मैम, स्केचेस. तुमने ये कपड़ा यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है. सब पछताएंगे. तुम्हारी इस गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी. सुहान. हाँ? सुहान जल्दी करो यार, रात का 1 बज रहा है. बस 2 मिनट यार, आखिरी बार सारे कपड़े चेक कर लूं. 10 बार तो कर चुके. और कितनी बार करोगे? तुम्हें पता है ना यार, अगर जरा से भी गलती होगी तो अलीशा मैम इन कपड़ों की जगह मुझे लटका देंगे हैंगर पर. वो तो है. ये भी है. हो गया, चलें? या 2 मिनट लाइट्स बंद करके आता हूं. वेट. हाँ ओके. मुझे नहीं आना. मुझे हर्ष के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदना. प्लीज राघव, मैं जा रही हूँ. यामिनी, देख, प्यार व्यार के मामले में मेरा एक्सपीरियंस तेरे से काफी ज्यादा है. Am I right? तो अपने गुरुजी की बात मानो और शांति से अंदर चलो. चल राघव, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो. गिफ्ट खरीदने से क्या होने वाला? हर्ष मुझसे प्यार करने लगेगा क्या? वो तो पता नहीं, पर एटलीस्ट वो बुद्धू के दिमाग में ये तो आएगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो. Am I right? ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा.
देखो सच सच बताओ कि ये किसने किया। उदिता मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना। मैम मैं तो कल रात को 10 बजे ये ड्रेस मैनिक्विन पे डालकर घर चली गई थी। तो फिर ये किसने किया? मैम कौन? मोनिका और सुहान घर पर भी नहीं है। उनके घर वालों ने कहा कि वो कल रात से वापस नहीं है। ये ड्रेस खा गई उन दोनों को, वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा था ना तुमसे ये कपड़ा वापस ले जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। अब भूख तो अंजाम। मैम शायद रोशन जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस ड्रेस को बनाते वक्त मुझे भी बहुत अजीब सा लगा ये कपड़ा। अजीब लगा? What do you mean by अजीब सा? तुम सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? सबके सब लगे हुए हो मेरे शो के धज्जियां उड़ाने के लिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने काम करो। विक पता नहीं मैडम को क्या हो गया, पागल सी हो गई उस कपड़े के पीछे। मुझे भी रोशन जी की बात ठीक लग रही, कुछ कपड़े में ही गड़बड़ है। हाँ रागी नाम है मेरा, समझे? हाँ रागी प्लीज 2 मिनट सीधी खड़ी रहो। मार्केट में मेरी भी तो कोई रेपुटेशन है, मैं ऐसे कोई भी शोज नहीं कर सकती। और प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसे शोज मेरे लिए लेकर मत आना। थैंक्स। क्या हुआ? ये ड्रेस कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है इस ड्रेस में। व्हाट्स रॉन्ग? इतनी टाइट क्यों है ये ड्रेस? टाइट? रागी कहाँ टाइट है, एकदम प्रॉपर तो है। ड्रेस तुमने पहनी है? मैंने। उदिता वो जो डुप्लीकेट ड्रेस है ना उसको लेके आ जाओ प्लीज जल्दी। आउच! वो रागी क्या प्रॉब्लम खार? अलीशा मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही है इसमें। देखो प्लीज अभी एंड मोमेंट पे नखरे मत करो, शो का टाइम हो रहा है। रागी तुम्हें 2 मिनट पे स्टेज पर आना है। नहीं मुझसे नहीं होगा। मेरे शो का सत्यानाश मत करो, चलो। Got it. Oh my God! ये duplicate dress को क्या हो गया? ये फट कैसे गई? Unbelievable! इतनी भीड़ में अलीशा को कैसे ढूंढेंगे? यामिनी, ये वही लड़की ना जो हमें उस दिन अलीशा की दुकान में मिली थी? हाँ, उदिता। प्लीज। हाय उदिता। हाय, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली हम अलीशा से मिलने आए हैं। अब रियली सॉरी, वो अभी तुम लोगों से नहीं मिल सकती। आई हैव टू रश या बाय। राघव हर्ष वो देखो वही वाली ड्रेस। अरे हाँ ये तो वही ड्रेस है। वही वाली ड्रेस? कहीं ये ड्रेस इसे ना नुकसान पहुंचा दे। चलो कैसे हो गया, अलीशा मैडम देखेंगी तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। फटाफट करना पड़ेगा।
अरे ये लाइट भी ना, अरे कोई आओ। उदिता तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लाइट भी आ गई। अच्छा वो रागी का रैंप खत्म हुआ क्या? बेहतरीन शो की बेहतरीन डिजाइनर अलीशा अपनी शो स्टॉपर रागी के साथ, सो प्लीज वेलकम अलीशा। कुछ भी गड़बड़ मत करना, मॉर्निंग है अलीशा, कुछ हो रहा है अलीशा? कुछ नहीं हो रहा है, चलो। अनिशा ये होते ही नहीं, अनिशा रागी, रागी रुक जाओ, रागी रागी लिसन टू मी, रागी रागी तुम मेरे शो को इतना बीच में छोड़ के नहीं जा सकती हो, रागी तुम्हें छोड़ कैसे तुम्हें? रागी हमें तुम्हारी जरूरत है, आओ।